बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, आज का लेक्चर नंबर क्या हमारा? तो अपना नहीं, इनका पूछ रहा हूँ। एट है, लेक्चर नंबर एट है। ठीक है, हम लोग अब एक लेक्चर नंबर एट पर आ गए। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो हैं प्रॉप्स कैसे बना सकते हैं, एक एटलस में कैसे रखना है, मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, और होपफुली आप लोगों ने उसको किया होगा। और आप लोगों ने अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो स्काइप पे शेयर करते रहेंगे जो आपके ग्रुप है। तो मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि कोशिश ये लोग करें, आप लोग करें कि आप लोग सिस्टम अपने ले लें, लैपटॉप आप लोग ले लें, अच्छे वाले ले लें, एक ही दफ़ा ले लें, क्योंकि ये आपका फॉर एवर एसेट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। तो हम लोग और कोई बहस फ़िलहाल जेरे गौर नहीं लेके आ सकते। तो फर्स्ट जो हमारा फेस होता है R&D का होता है, हमेशा हम लोगों ने रिसर्च करनी होती है कि हम लोगों ने बनाना क्या है। तो हम लोगों ने आज इसको देखा है, इसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरे पास है कि ये होते हैं स्टील लॉकर। ठीक, तो ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और वहाँ पर होते हैं आपके ऑफिस में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, या फिर किसी जिम में होते हैं। तो ये स्टील लॉकर हैं। तो कुछ कंडीशन ये है आपके पास, अगर आप गौर करें तो ये स्टील लॉकर एक और बाकी ये कॉपीज निकली हुई हैं, इसके सेम ही है, सिंपल यही कंडीशन यहाँ पर है। ये एक स्टील लॉकर चल रहा है और बाकी इसकी कॉपी है। तो आप ज़रा इसको एक दफ़ा चेक करें कि ये इस तरह से अंदर से ग्रूव बने हुए हैं। एक स्टील लॉकर ये है, ठीक है। तो हमारे पास अब यानी कि एक मेजर वो आ गया, इसका एक ज्योमेट्री आ गई है कि हम लोगों ने उसको कैसे लेके चल रहे हैं। और आज हमारा यही है टॉपिक के, यानी कि अगर ये पोस्टर कैसे लगते हैं, इसमें ये कैसे लिखा, दे आर ऑल गॉन, ठीक है, और ये किस तरह आया, और ये ग्रंजी अटैक जो एक इफ़ेक्ट है ये कैसे आया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको किस तरीके से आगे प्रिटेंड करना है, यानी कि यहाँ पर ये कैसे आया और यहाँ पे कैसे आया। इसका मतलब ये है कि ये चार एक जैसे हैं, बाकी आगे ये कॉपी होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो अब फर्स्ट हमारे पास फेस कौन सा है, कौन सा है हमारे पास फेस फर्स्ट? डरते बहुत है वैसे आप लोगों को, मैंने सालों के मॉडलिंग है भाई, हम लोग पहले मॉडलिंग करनी है। क्या है हमारा फेस? मॉडलिंग करनी है, शुक्र है। तो हम लोगों ने इसको रेफरेंस बनाना है पहले, ठीक है, इसको मॉडल करेंगे, इसके टेक्सचरिंग को देख लेंगे, ठीक है, और कुछ चीज़ें इसकी हम लोग ले लेंगे, यानी कि ये इसने टूटा हुआ कैसे बनाया होगा। तीन चीज़ें हमारे पास, तीन कंडीशन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी है इसकी। ओके, सो तो ये शॉर्टकट ऑन कर दूं मैं, ठीक है, मैं शॉर्टकट ऑन कर देता हूँ। सो तो ये हमारे पास यूजली हम लोगों ने बॉक्स को देखना कहीं हमारे पास कितने का है। ये 2x2 मीटर का हमारे पास बॉक्स है डिफॉल्ट जो इसने लगाया है ब्लेंडर ने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इस बॉक्स को हम लोगों ने एक ह्यूमन स्केल के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। तो फिलहाल अभी हमारे पास ह्यूमन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बनेगा कैसे। टैप प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद फेस मोड में आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने गिज़्मोस में जाऊँगा और अपना मूव टूल का जो एक गिज़्मोस को ऑन कर दूँगा। फ़िलहाल मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ और इसका जो स्केल है मैंने ऑलमोस्ट मैच कर लिया। ओके, देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ और मैंने इसको ज़ीरो एक्सिस में रख लेना है, और डॉट प्रेस करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर विजुलाइज कर लिया। ये मेरा जो स्केल है लॉक है, अब कंट्रोल ए से मैं स्केल को लॉक कर लूँगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट फेज है कि इसके इनसाइड को हमने बनाना है। इनसाइड के से पहले हम लोगों ने इसके ये दरवाजे को बनाना है, ठीक है। अब दरवाजे के अंदर अगर आप गौर करें तो ये एक गैप आपको नज़र आ रहा है। तो ये गैप दयान कैसे बनेगा, गैप इंसर्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको टैब प्रेस करेंगे, फेस पे आएंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। तो आई प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ पर इसको इंसर्ट कर रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने बना दिया इसको। अब आगे हमारे पास जो है थोड़ी सी, मैं रेफरेंस पिक्चर जो अपनी बड़ी कर देता हूँ। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये दरवाज़ा है, इसकी भी थिकनेस है और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक लॉक वगैरह भी लगे हुए, इसके अंदर भी कुछ थिकनेस वगैरह है,
ठीक है। तो इसके अंदर जो स्लैब्स और शेल्फ, तो हमारे पास अब ये एक ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे शिफ्ट डी। शिफ्ट डी से क्या होगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इसके साथ सेपरेट है। क्या है ये, सेपरेट है। तो हम लोग पी प्रेस कर देंगे, पी से जो होगा क्या होगा, सिलेक्शन जो है आपकी सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको एक टर्म में आपकी गेमिंग की लैंग्वेज में कहते हैं इसको डी अटैच करना। क्या कहते हैं, डी अटैच करना। उस्मान ठीक है, मैं भी डर गया था जब आप सो रहे थे, मैं देख रहा था आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद फेस में आएंगे, और फेस में आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप यस एक्सट्रूड कर देंगे, और ये एक्सट्रूड हो जाएगा आपका इनसाइड। अब मैं इसके साइड व्यू में जा रहा हूँ, जी प्रेस करके मैं आ रहा हूँ वायर फ्रेम पे, और वायर फ्रेम में आने के बाद मैं इसकी थिकनेस को इसके साथ मैच कर दूंगा। P फॉर पेंगुइन, P से सिलेक्शन होती है जो अलग हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई। तो हैरत की बात यह कि मैंने जो है अपना ओके अब ये आपको एक थिकनेस इसके अंदर नजर आ रही होगी। ओके अब हमने इस थिकनेस को भी यहाँ पर ऐड करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो अंदर का एरिया है इसके अंदर एक लूप ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको इनसाइड एक्सट्रूड कर देंगे। क्या कर देंगे, इनसाइड एक्सट्रूड कर देंगे। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रोसेस ये होगा कि आप टैप प्रेस करेंगे, वापस आप आएंगे फेस मोड पे, और इसके बाद आपने लूप ऐड करना, तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे, कंट्रोल आर कर देंगे, शाबाश। और इसके बाद आप यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक ए यहाँ पर आके आप इसको एक लूप ऐड कर दोगे। ठीक है, ओके। अब आप टैब प्रेस करेंगे, वापस फेस सिलेक्शन पे आएंगे, और आपने इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा लूप सिलेक्ट हो जाए, तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आप ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, और इन दोनों एजेस के दरमियान पर आप क्लिक कर देंगे, तो ये पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप इसे कर देंगे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करने के बाद आप इसको कर देंगे स्केप, जो पहले मैंने आपको लेक्चर, पहले दिन मैंने आपको लेक्चर में बताया था। और उसके बाद आप आर्ट एस होती है कमांड, असल में स्केल अलोंग टू अ नॉर्मल, क्या मैं बता रहा हूँ, स्केल अलोंग टू अ नॉर्मल, ठीक है, वो आर्ट एस है। आप आर्ट एस प्रेस करेंगे तो ये आप स्केल अलोंग टू अ नॉर्मल कर देंगे, तो ये आपका जो काफ़ी हद तक जो ये एक गैप है ये नज़र आ जाएगा आपको। यूं भी कर सकते हैं और एक्सट्रूड अलॉन्ग टू अ नॉर्मल भी कर सकते हैं, दोनों में आपके पास है। असल में आज के जो मकसद था ये कमांड पढ़ाना मकसद था, ठीक है, कि आपको इस कमांड का पता हो। ठीक है, देन ऑल टेस्ट में कर रहा हूँ दोबारा, और इसको मैं काफ़ी हद तक बारीक कर दूंगा, और बारीक करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस हम लोग सॉलिड व्यू में आ रहे हैं। सॉलिड व्यू में आने के बाद अब हमारे पास ऑलमोस्ट जो ये एक एरिया है रेडी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वापस फेस मोड में आए हैं, इसको हम कर देंगे शिफ्ट डी। शिफ्ट डी से हम लोग जी एक्सिस की तरफ ले जाएंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका एक हमने शेल्फ बना दिए यहाँ पर। ओके, अब थोड़ा सा टेक्निकल काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो ये शेल्फ है एग्जैक्ट इसके इस एज के साथ होनी चाहिए। मैं स्नैप को ऑन कर रहा हूँ, वर्टेक्स में जा रहा हूँ, और वर्टेक्स को मैंने ऑन कर दिया, और हम लोगों ने यहाँ पर इस एज को क्लिक करना है, और एज को क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं से मूव कर रहा हूँ इसके साथ, इस वर्टेक्स को रेफरेंस रखते हुए। अगर मैं इसको मूव करूँगा इस वर्टेक्स के साथ रेफरेंस रखते हुए, तो ये यहाँ तक एक्सट्रूड होगा और ये यहाँ तक मूव हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये करेंगे तो समझ में आएगी, वरना ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं एल प्रेस करूँगा, एल से कम्प्लीट लिंक सेलेक्ट होता है। दोबारा मैं शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसने एक शेल्फ रखा है, तो मैं यहाँ पर कम से कम दो रख लेता हूँ, और ये मेरे पास एक मेरा शेल्फ यहाँ पर आ गए हैं।
अच्छा दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे करते हैं इसको एक्सट्रूड, तब भी ठीक है, इसे भी आप एक्सट्रूड कर दें, और ये आपने क्या किया, एक आपने अपना पहला जो पार्ट है कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड हमारे पास पार्ट ये है कि हम लोगों इसके अंदर ये डिटेल ऐड्स करनी है जो असल हमारे पास काम है, ठीक है। सो टैब प्रेस कर रहा हूँ दोबारा, मैं फेस सिलेक्शन पे आ रहा हूँ। फेस सिलेक्शन में आने के बाद मैंने क्या कि कंट्रोल आर दो लूप डाले, और दो लूप रखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एस एंड एक्स, और यहाँ पर मैंने एक अंदाजे के मुताबिक इसको ग्रैब कर लिया, कंट्रोल आर एंड देन फिलहाल मैं शिफ्ट टैब से अपना स्नैप ऑफ कर रहा हूँ। कंट्रोल आर अगेन, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आई थिंक इतने काफ़ी होंगे ये, ओके। और देन कंट्रोल बी से बेवल, और ये बिल्कुल लाइट से मैंने इसको बेवल कर दिया। ये चीज़ समझ में आ गई, ये सिंपल सिंपल लूप सिस्टम मैंने काम किया, 1 2 3 4 5 6 लूप मैंने यहाँ पे ऐड किया, और इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर इसको बेवल कर दिया ताकि मेरे पास दो लूप का ऑफसेट आ जाए। मैं फेस सिलेक्शन में जा रहा हूँ, और इसके बाद मैं शिफ्ट होल्ड करके अपने बड़े वाले लूप्स को सिलेक्ट कर दूंगा, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसको मैं कर दूंगा एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करने के बाद मैं जाऊँगा सॉलिड एंड वर्टेक्स सिलेक्शन में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि पहले इस पर क्लिक करूँगा, देन मैं इस पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद मैं इसको एम कर दूँगा, और यहाँ पर एट फर्स्ट अगर आप कर देंगे तो जो आपने फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट किया होगा वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, और अगर आप एम प्रेस करके एट लास्ट कर देंगे तो जो दूसरे नंबर पे आपने वर्टेक्स सिलेक्ट किया होगा ये उसके साथ मर्ज हो जाएगा। ये चीज जरा ज़हन में रखनी है, बहुत आसान चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नहीं, एक एक करना पड़ेगा आपको। ये ऐसा क्या होता है, खाली होता है इसका, अगर आप चाहें तो इसके ग्रुप्स को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। यस, एक्स एंड डिलीट फेस, और ये अब आपने कर लिया, इसको कंप्लीट बना लिया। देन हम लोग आएंगे एच पे, शिफ्ट और ऑल्ट से मैं सारे एच को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रूड कर रहा हूँ, और इसके बाद मैंने क्या किया इसको वाई एक्सिस की तरफ बिल्कुल लाइट से मैंने एक्सट्रूड कर दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे दोबारा मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, और इसको बिल्कुल कंट्रोल बी कर देते, कंट्रोल बी बेवल, ठीक है जी, डन हो गया। कौन सा वाला, ये वाला हैंडल, ये वाला लगा देते हैं, सब्र तो करो, रुको जरा, सब्र करो, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, ठीक है। अच्छा देन अब हमने क्या करना है, दोबारा अब हम आएंगे यहाँ पर
एच पे, और अब हम लोगों ने अपना लॉक ऐड करना है, लॉक कर है जो हमारे पास, कंट्रोल आर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसके बाद कंट्रोल बी, कंट्रोल बी के बाद मेरे पास ये सिलेक्शन है, कंट्रोल आर, यहाँ पे हम लोग अपना ऐड करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ जो हम गेम खेलने वाला हूँ ना, वो थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन है, तो ये है कि मैं इसको पहले कर दूंगा वाई। अब वाई से क्या होगा, ये सिलेक्ट, ये जो है डी सिलेक्ट हो गया है, डी अटैच हो गया है, लेकिन पी से भी डी अटैच हो रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पी से जो हम लोग कर रहे हैं सिलेक्शन को डी अटैच कर रहे हैं, उसमें ये डिफरेंस है कि वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को बना के दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी कि अभी ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग बन गया हुआ है, ठीक है? यानी कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, पी का मतलब ये है, पी की सिलेक्शन जो है वो ये है, लेकिन वाई सिलेक्शन का मतलब ये कि ये इसके अपना ही ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ही, यानी कि अगर मैं एडिट मोड से बाहर आऊंगा ना तो ये इसके साथ ही रहेगा। पॉलीगॉन सेलेक्ट करके ये उसको असल में वो ये आपने मूव मूव कर दिया हुआ है। कर दिया हाँ हुआ। जी, शाबाश, गुड। ठीक है, अब मैंने जो भी गेम खेलनी है इसके साथ खेल ली है, ठीक है जी। सिलेंडर के साथ भी बना रहेगा आप। कर सकते हैं आप, मैंने नहीं बना किया, सिलेंडर के साथ भी हो सकता है, इसको भी सिलेंडर बना सकते हैं, सर्कल कैसे बनेगा? वो बन सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा, मैं मतलब मुझे इतनी तो इजाज़त दो ना। इसमें राइट साइड पहले बनाओ, फेस पे हो फेस सकता है मैं कोई डिफरेंट बनाऊं, एस और एक्स मॉडल से कर रहे हो जीरो, बना रहे हो फाइल बना रहे हो एस मेरे को एक्स बताओ और कैसे बनाओ जीरो, कितना मॉडल कर रहे हो। और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर टैब फेस, इसको हम कर देंगे एक्सट्रूड इनवर्ट। एक्सट्रूड इनवर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे टैब, और इसके बाद हम कर देंगे इसको एच पे, और ये हमारे पास कर्वेचर इसके यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है, और थोड़ा अगर डिटेल डालना चाहते हैं आप लोग, इन केस अगर आप लोगों ने और इसके अंदर डिटेल ऐड करनी है, तो हम लोग इसके अंदर ग्रुप डाल देते हैं, वो किस तरीके से, शिफ्ट से हम ये सारे लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल से डी सेलेक्ट हो जाएगा, बल्कि नहीं मैनुअली करने पड़ने यार, हद है वैसे बदतमीजी की। एक्सट्रूड हो जाएगा इनवर्ट, ठीक है, और इसके बाद इस एच को हम कर देंगे बेवल, इनको भी, राइट क्लिक, शेड स्मूथ, ऑटो स्मूथ, जरूरी है ज्यादा डिटेल मिल जाए, प्लस मिल जाए।
जरूरी है। प्रैक्टिस सेशन में आप देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं, एक्सट्रूड पढ़ ली है? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ ली है? लूप भी पढ़ ली है, ठीक है, इंसर्ट भी पढ़ लिया है, बेवल भी पढ़ लिया है, तो नई कमांड कौन सी पढ़ी है आज? एक पी है, सिलेक्शन अनसिलेक्शन करनी है, यानी कि डी सिलेक्ट करना हो ऑब्जेक्ट को, डी अटैच करना, और दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना हो, एक्सप्लोर जिसे कहते हैं। तीसरी कमांड कौन सी जो नहीं सीखी है हमने? कोई भी नहीं है। तीसरी हमने ऐड सेंटर सीखी है कि अगर आपने एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मर्ज कैसे करना है, ऐड सेंटर। तीन चीज़ें ये सीखी, बाकी तो सारा पुराना काम है। ये भी देखो ना यार, ठीक हो गया, नई चीज़ें आती हैं। बाकी दोबारा स्नैप ऑन करें, इसको एल प्रेस करें और ये लिंक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जी प्रेस करें और इसके साथ आप इसको सेलेक्ट कर दें, और इसके बाद जी प्रेस करके वाई फ्रेम पे आएँ, ए प्रेस करें और एम प्रेस करने के बाद आपने बाय डिस्टेंस कर देना, ताकि ये आपके जो वर्टेक्स हैं दोबारा आपस में वेल्ड हो जाए। बाय डिस्टेंस एम से ना, ठीक है, ओके, जी ये मर्ज हो गया अब, ठीक है, अब दरवाज़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे और इसको इसके साथ लगा देंगे, मैं फिलहाल इसका जो स्नैप है वो ऑफ कर रहा हूँ। कंट्रोल एस सेफ। ये था आपका लेक्चर नंबर 8। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया है, ये बहुत ही आसान है। सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करें, स्केल करके इसको ज़ीरो करें, इसके बाद आप आ जाएं अपने पुराने दोस्त के पास। बॉक्स का वाकई कोई मसला नहीं है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर आप यूवी एडिटर लेके आए, यूवी एडिटर लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप इसको आप आएंगे फेस में, ए प्रेस कर देंगे, इसके बाद आप यहाँ पर ए प्रेस कर देंगे, यू प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन, 45 डिग्री का एंगल दे रहा हूँ। इसके बाद आप आइसलैंड मर्जिंग 0.001, इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हमारे पास बिल्कुल ठीक अनरैप आया, ठीक है, ये देखो। नहीं, ये फिर वो कभी कभी ख़राब कर देता है ना काम, ठीक है। इसके बाद आप, हाँ, डिपेंड करता है कि पैडिंग कितनी रखनी है, पैडिंग पैडिंग डिग्री तक ये लॉक रहे। अब मैंने इसको कहाँ लेके जाना है, सब्सटेंस में, तो सब्सटेंस में लेके जाने से पहले आपने क्या करना है, इसको डिस्टेंस जो है आपने जितना ज़्यादा हो सकता है आपने इसको दूर दूर कर देना है, दरवाजे को ही दूर करना है हमने, बाकी चीज़ें दूर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे कर्वेचर चाहिए होंगे, ठीक है। इसको करेंगे सिलेक्ट, इसको करेंगे सिलेक्ट, पहले मेक श्योर कि आपका मटीरियल ठीक है। आपने मटेरियल पे क्लिक करना है और मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आपने इसका नाम रख देना है स्टील लॉकर। स्टील लॉकर के बाद हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसको करवाएंगे कंट्रोल एस, इसको करवाएंगे सेव, फिर कंट्रोल एस। इसको मैं ओबीजे में एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको ओबीजे में एक्सपोर्ट करवाने की वजह यह है कि ओबीजे में काफ़ी हद तक जो आपकी स्मूथिंग ग्रुप्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, एफ बी एक्स में अक्सर मसला आ जाता है। सर,
ओबीजे में करवा रहा हूँ मैं। टेक्सटिंग आप कोशिश किया करें ओबीजे में भी, अगर आप सब्सटेंस में कर रहे हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं। फाइल में आऊँगा, न्यू में आ रहा हूँ। न्यू में आने के बाद वापस सिलेक्ट है, कंट्रोल वी कर दिया है। इसके बाद हम स्टील लॉकर पे क्लिक कर रहे हैं। मेटालिक रफनेस है, एनिसोट्रॉफी एंगल है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीबीआर मेटालिक रफनेस, ठीक है। इसके बाद हम कर देंगे 2K, 2K के बाद डायरेक्ट टैक्सी रहेगा, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्योंकि ये इनडोर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, पैनोरामा में आएंगे, और इसके बाद हम कोशिश करते हैं कोई इनडोर का हम लोग आज कोई पैनोरामा व्यू लगा लें। अगर ये हमारे पास एटम, ये बाहर का है, ये भी बाहर का है, इनडोर का सीन, गैराज नहीं है इधर, कर सकते हैं। चलें मैं फ़िलहाल ये बस गैराज लगा लेता हूँ, ठीक है, ये बस गैराज जो है ये लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे टेक्सचर सेट में। टेक्सचर सेट में आने के बाद हम क्या करेंगे, बेक मैश कर देंगे। बेक मैश करने के बाद हम क्या करेंगे, 2K पे आ जाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x2 कर देंगे एंटी अलाइजिंग, और इसके बाद हम लोग बेक सिलेक्टेड। इसको हम कर रहे हैं ओके। तो आज भी हम लोग स्मार्ट मटेरियल ही यूज करेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी उसके अंदर मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे देखूंगा मशीन के, ओल्ड मशीन के नाम से, मेरी तो काफी बड़ी लाइब्रेरी है इसमें। ये रहा पेंट ओल्ड के नाम से, पेंट ओल्ड के नाम से आपने क्या करना है, आपने इसको ड्रैग करना है और अपने मॉडल पे फेंक देना है, ठीक है। ये जो चीज है आपकी लेयर पे आ जाएगी, या मॉडल पे फेंक दे या लेयर पे ले आए, बात एक ही है, एक ही बात है, लेयर खुद ही बन जाएगी, ठीक है। अब ये लग गया इसमें, अब आपको इतना काम करना ही नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करना, क्या करना आपने, कलर चेंज करना। आप क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी मेरा जरा देर से लोड हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। यहाँ पर आ जाएगा कलर, थोड़ा वेट करें, ये स्मार्ट मटीरियल का फोल्डर ओपन हो जाएगा ना। फिर आपने क्या करना, इस कलर पे जाना है, कलर पिकर पे क्लिक करके रखना, और आपने अपना रिक्वायर्ड कलर पे क्लिक कर देना है, इसको एडजस्ट करना है। ये रहा मेरा कलर, सब कुछ लगा हुआ इसमें, इसमें सब कुछ लगा हुआ, आपने कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसके अंदर आ रही है, इन चीजों को स्टडी करना है आपने। ये है डस्ट, क्या है ये, ये डस्ट कम होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमने क्या करना है, हम आ जाएंगे पहले एक एक लेयर को ऑफ करेंगे, चेक करेंगे ये है क्या चीज, ठीक है। ये कर्वेचर है, कर्वेचर इसमें आ रहा है, ये है डर्ट, ये डर्ट बहुत ज्यादा है, हमने डर्ट को कम करना है। हमने डर्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, मास्क पे क्लिक करेंगे, हम लोग जाएंगे एम जी डर्ट के ऊपर, और एम जी डर्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया डर्ट लेवल, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करें, हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज इसमें है रस्ट, रस्ट भी बहुत ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे, रस्ट पे आप क्लिक करेंगे मास्क पे,
और यहाँ पर लिखा हुआ डर्ट और ये लिखा हुआ ग्रंज। आप पहले क्या करेंगे, डर्ट को एक दफा छेड़ लें, अगर डर्ट से आपका काम होता है तो ठीक है। हाँ जी सामने भी देख लो, तुम लोग तो सबसे मजाक करते रहते हो। तो नहीं मैं उसको कह रहा हूँ, मान लो ग्रंज आ रहा है ना इस पे, इतनी पुरानी नहीं होती स्टील कभी भी। यार मेरी बात सुनो, कभी तुमने जंग आलू देखा है? वो जंग है ग्रंज असल में ये, ठीक है। हमने हर चीज की, हर एक की कुछ ना कुछ लिया है ना हमने, ठीक है। अगर आप ये वाला ब्लू लेना चाह रहे हो तो मुझे ये ब्लू अच्छा लग रहा है, फिर बात एक ही है। ठीक है, अब मेन हमारे पास टास्क क्या है कि हमने ये पोस्टर लगाने हैं। ये कैसे लगेंगे आज आपने ये सीखना है। पहला आपने क्या सीखा, स्मार्ट मटेरियल क्या होता है। दूसरा अब आपने देखना है कि आउटसोर्स अगर आपने कोई पोस्टर लगाना है वो किस तरह लगाओगे। तो पोस्टर लगाने के लिए आपके पास कोई ना कोई पोस्टर होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी अपनी बना के रखी है, अभी मैंने डाउनलोड की है, ठीक है। मेरे पास ये पोस्टर अवेलेबल हैं आपके, ये इस तरह आपके पास आ जाएंगे। ये तीन पोस्टर हैं, ठीक है, ये गेम मशहूर गेम्स हैं, इनके आपके पास पोस्टर हैं। मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्ट करवा लेंगे। अब ये क्या आए हैं, इनकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। हाँ जी, आपने इसके साथ करना क्या, ये एज अ टेक्सचर अप्लाई होंगे, क्या होंगे, एज अ टेक्सचर अप्लाई होंगे। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अनडिफाइंड है, इसको आप कर देंगे अल्फा है, कट आउट है, इन्वायरमेंट, और ये क्या है, टेक्सचर। टेक्सचर में आने के बाद आप इसको एज अ शेल्फ में परमानेंट लेके आ जाएं, इसको यहाँ पर आप परमानेंट लेके आ जाएं। और इसके बाद आप इसे कर दें इम्पोर्ट, इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों पोस्टर आ गए, पोस्टर वन, पोस्टर टू और पोस्टर थ्री। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पहले हमने पढ़ ली हुई फिल लेयर, आज हम पढ़ेंगे एड लेयर, ठीक है। एड लेयर एम्प्टी लेयर होती है, ठीक है, ये एम्प्टी लेयर आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप इसको उठा के आने, ऐड लेयर के अंदर आपने क्या करना है, हाइट नहीं चाहिए, रफनेस नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए, मेटालिक नहीं चाहिए, रफनेस ऐड कर लें क्योंकि रफनेस होती है इसमें, ठीक है। आपने क्या करना है, पोस्टर वन को उठाना है और उठा के आपने बेस कलर के अंदर फेंक देना है। अब बेस कलर में जैसे फेंकेंगे ये ब्रश आपका एज अ पोस्टर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस पोस्टर के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस पोस्टर के अंदर ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो है ये दबाव है, जी साइड में ब्लर है। हमें क्या चाहिए, हमें ये प्रॉपर पोस्टर चाहिए, ठीक है। वो तो खैर अगर आप अल्फा भी ऑन कर दोगे तब भी यही होगा इसके साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्रॉपर जो इसका रेक्टेंगुलर शेप है हमने उसके अंदर लेके आना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम लोग एक दफा चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं जाता हूँ इसके 2D व्यू में, और 2D व्यू में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, नहीं नहीं होगा, ठीक है। हम लोग क्या करें, कंट्रोल जी कर रहे हैं और इसके बाद हम इसको डिलीट कर रहे हैं। फिल लेयर को हमने थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। फिल लेयर मैंने ऐड करवाई, फिल लेयर ऐड करवाने के बाद मैंने सारी जो चीज़ें ऑफ कर दी सिवाय रफनेस के, रफनेस को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये मेरा पोस्टर है इस पोस्टर को मैं यहाँ पर बेस कलर में ऐड करवा लूँगा। ये अब क्या कर रहा है, अब इसने पूरे पे इसको अप्लाई कर दिया। हमने क्या करना है, हम लोगों ने इसको इस जगह पे अप्लाई करवाना है। मैं कर रहा हूँ इसको ऐड ब्लैक मास्क, ब्लैक मास्क करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास जो पॉलीगॉन है फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे पोस्टर लगाना है, यहाँ मैंने लगाना है, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोस्टर लगाने के बाद मैं 2D व्यू में आ रहा हूँ, बल्कि 2D 3D में इकट्ठा ही ऑन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे कि हो क्या रहा है असल में। मैं अब जा रहा हूँ पोस्टर केस के ऊपर, ठीक है, और मैं इस पोस्टर को यहाँ से इन पॉइंट से ग्रैब करवा लूंगा। ये देखो ये उल्टा छप रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे यहाँ पर इसको सीधा कर, इसको यहाँ पे उल्टा कर दोगे, ये तो सीधा हो जाएगा और ये पोस्टर आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब ये कट रहा है, आप क्या करोगे, अब आपकी मजबूरी, अब आपको ये एरिया भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये सारा एरिया आपको लेना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी हमारा वहीं फंसा हुआ है। हम लोगों ने क्या करना है, स्टूडेंट्स यहाँ पे आके माउफ हो जाते, कहते हैं कि यार अब बात साइज से ज़्यादा आगे कुछ नहीं है, ये तो फ़र्क है सॉफ्टवेयर, नहीं फ़र्क नहीं है, आपने आना है वापस मटेरियल के ऊपर। मटेरियल में आके ये कह रहा है कि आपने जो यूवी अनरैपिंग कर रहे हैं उसको कर रहे हैं रिपीट, आप कहोगे नहीं इसको रिपीट नहीं करना, इसको आप कर दो सिंगल, सिंगल हो गया, ठीक है। अब सिंगल करने के बाद आप क्या करोगे, इसको कहीं भी ले आओ, है शुरू में सिंगल कर दो, कोई बात नहीं, वो तो प्रोसीजर इससे बताया ना कि गलतियां कहां कहां करते हैं, ठीक है। ये देखो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो यहाँ पर। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि आपको टेक्सचर का हिस्सा बन जाता है, यस, ठीक है, आ गया ये। अच्छा अब यही काम अगली लेयर पे भी करना है हमने, क्योंकि हमारे पास दो पोस्टर और भी हैं, ठीक है, इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है, इसे हम कर देंगे कंट्रोल डी, और इसके अंदर अब हम लोग डाल देंगे, मैं मास्किंग कर रहा हूँ अब इस जगह की, ठीक है, ये रहा मेरे पास, हो गया वह। हो गया भाई, देख रहे हो वाइट हो गया, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखता हूँ ये किधर है, ये वाला एरिया, ये ले आते हैं, अनचार्टेड भी ले आते हैं, थोड़ा मौका दिया करो मुझे बस। वो भी आ रही है, इसकी रिलीज हो गया ट्रेलर इसका आज, अनचार्टेड 4 का, ये अनचार्टेड आ गया इधर, ठीक है, ओके, इसके बाद आप अगर यहीं पर ही दूसरा एक फोल्डर लगाना चाह रहे हो ना, यहीं पर ही लगा सकते हैं, मना तो नहीं किया मैंने, ठीक है, कंट्रोल डी, और इसको ले आओ आप थोड़ा नीचे ले आओ, हाँ। अच्छा अब ये चीज लग रही है साफ साफ कि यार ये पोस्टर ना उठा के लगाए हुए हैं, अब हमने इसकी कंडीशन लेके आनी है ये वाली, ये मर्जुए हुए हैं, वही कल वाला काम करेंगे अब हम, ठीक है, अब हमने इसके साथ कल वाला काम करना है। तो ये मेरे पास पहले पबजी का है, मैं क्या करूँगा अल्फा में जाऊँगा, सबसे पहले ब्रश पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास होगा डर्ट या डस्ट या रस्ट, कोई भी एक है, कोई भी अगर आपने लेना, या स्पंज, टेक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट, आप जो लगाना चाह रहे हैं लगा लें इसके अंदर। अगर आप ये लगाते हैं फर्ज करें ये स्पॉन्ग का लगा लेते हैं, ठीक है, इसका मैं कर दूंगा फॉलो, कम कर दूंगा स्ट्रोक ओपेसिटी, कम कर दूंगा, तो अभी ये पॉजिटिव पे कर रहा है, तो हमने क्या करना है इसको माइनस करना है, हम कह रहे हैं मिटाना है इसको, तो एक्सप्रेस कर देंगे तो ये क्या होगा, ये मिटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये अब ब्रश ब्रश नहीं, यानी कि मैं कह रहा हूँ यार लगे कि किसी ने इसको खरोचने की कोशिश की है, तो फिर आप क्या करेंगे ये वाला लगा लेंगे, ठीक है,
ठीक है, अगर आप कहते हैं कि यार ये नीचे से कहीं से उड़ता हुआ नजर आए, तो फिर आप क्या करेंगे, ये लगा ले, मतलब ये आप खुद टेस्ट कर लो कि ये क्या क्या है। फॉलो इसका बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रोक को बैठ से उड़ा रहा हूँ उसकी मैं। लेयर भी तो वही हो ना। अच्छा, ये करने के लिए लेयर वो सिलेक्ट करनी जरूरी है हाँ जैसे फोटोशॉप में करते हैं। जी, लग गया अब ये ठीक है। और कौन से मैं लगाऊँ आपको, ये है ओपेसिटी में स्ट्रोक की काम करूँ ताकि ये कम मिटाए। अच्छा वो दिखाओ, वो है फिर फिल्टर जिस पे फटा हुआ साइड से कुछ तरह का दिखाओ। का वो फिर आपको अल्फा डाउनलोड करने पड़ने ना, वो काफी है। फिर अभी ऐसा भी हो कि स्टिकर भी लगे ये। ठीक है, सर ये डिफॉल्ट मटेरियल है ये सर। इसका डिफॉल्ट है, मैंने ये करवाया है डिफॉल्ट है, इसलिए मैंने ढूंढा ये। बहुत ही आसान है, उसका क्या मसला है। ये नई लेयर ले लो, नई लेयर लेने के बाद इसको कर दो ब्लैक, ब्लैक करने के बाद जो इसकी रफनेस थोड़ी सी बढ़ा दो ठीक है। इसके बाद इसे कर दो मास्क, मास्क करने के बाद यहाँ पर हो गया ब्रश, जो ब्रश स्ट्रोक ले लो कोई भी, कोई भी कैलीग्राफी ले लो, जो शेप ले लो ठीक है। ये होगी यहाँ पर शेप होगी, ये ले लो, स्पेल पेन ले लो, फॉलो करो उसको, स्ट्रोक बनाओ। ये भी देखो, ये आ रहा है, गैप आ रहा है ठीक है। इसकी जो स्पेसिंग होगी यहाँ पर, ये रही, इसको कम कर दो। अब गैप ठीक हो गया, करें इसको। यूं कर ले, इसके अंदर स्कल भी हो गए, बल्कि ये ले, ठीक हो गया। इसको अगर आप यूं कर दें तो ये हो सर ये जाएगा, रोटेट किससे किया। कंट्रोल प्रेस करके ठीक है। इसको अब आप रफनेस है, इसकी रफनेस को थोड़ा कम कर दें, इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दें, स्केरी टाइप हो जाएगा, मेटलनेस ऐड कर दें इसमें, इसकी हाइट को थोड़ा सा आप बढ़ा दें ठीक है। आ गया यहाँ पर, ब्लड स्प्लैश भी है इसके अंदर। ये ले, ठीक है। फिलहाल नहीं, हम करना ही है ना हमने। कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, और इसके बाद है हमारे पास, कोशिश किया करें आप अपनी फाइल फौरन सेव कर लिया करें। एक्सपोर्ट करने से पहले सेव लाजमी हाँ करना, जी, उड़ गई तो गई। वो मुश्किल प्रॉप्स करवाने का ये मकसद था कि एक दफ़ा आप मुश्किल प्रोसेस से गुजर जाएं, ताकि अब आपको चीज़ें आसान लगें, और बाकी वो अब आपको आसान लगेंगी। कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई करने के बाद आप आएंगे वापस, पाथ देंगे, सिलेक्ट फोल्डर करेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, सर ये मेटालिक डॉक्यूमेंट रफनेस ही कितने का रहेगा, आएगा मेटालिक रफनेस ही रखना है हमने, सर, अगर एक्सपोर्ट ना कर आए देंगे। तो सही नहीं आएगा। हैं अगर ना याद है बने कुछ नहीं सर, कैसा होगा मेटालिक रफनेस ना सिलेक्ट करें तो फिर नहीं सर सही होगा। हमने स्टार्ट में शेडर वही रखा था। जो स्टार्ट में सर शेडर याद रखना रखना है उसी उसी के के मुताबिक मुताबिक करना है। हाँ, एक्सपोर्ट, क्योंकि मैप पे ही निकालेगा। वो क्या है, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद मटेरियल पे आ रहा हूँ, और इसके बाद हमारे पास क्या है, आ गए ये।
ये हर रोज अपने हाथ पे हाथ रख के एक वादा करता है मैंने ये करना है, और उसके बाद इसकी फाइल 3.0 से 2.9 पे सेव हो जाती है। यार तू बना के मेरे मुंह पे मार दे, मैं राजी हो जाऊंगा। 11 बजे बैठे हैं हम लोग इधर, आज बना के दिखाऊंगा। हैं? नहीं आप बना के बताएं यार, प्रैक्टिस करें चलिए शाम को। रोज ही अपने हाथ पे हाथ रख के वादा करता, रोज हाथ पे हाथ नहीं रखता, कुछ और रखता, रोज ये बात भूल जाता है। हाँ ठीक है जी, ये आ गया स्टील। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसके जो PBR टेक्सचर है वो हम लोग मेटालिक है, ये मेटालिक आ गया हमारे पास, ठीक है। मेटालिक को हम लोग लगाएंगे मेटालिक की नोट पे, 13 मेटालिक, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी जो नॉर्मल है, नॉर्मल चेक कर लें सही बना। हाँ जी बिल्कुल ठीक बना है। नॉर्मल को आपने नॉर्मल की नोट पे लगाना है, ओके। एंड देन फाइनली हमारे पास जो बचा है वो है रफनेस, और ये रफनेस की नोट में आना है हमने। शिफ्ट प्रेस करके रेंडर पे आप आ जाएं। ठीक है, शिफ्ट और इसको हम रेंडर कर रहे हैं। रेंडर के बाद शिफ्ट ए किया, इसके बाद हम लोग आके प्लेन में। अच्छा एक और मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पर सारे को सिलेक्ट किया, इसको मटेरियल प्रीव्यू में लेके आ रहा हूँ उस वक्त मैं, ठीक। और अरे तो आप लोगों ने पढ़ ही दिया होगा, अरे नहीं पढ़ा आप लोगों ने पढ़ लिया, इन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफायर में जा रहे हैं, इधर जाएंगे, इसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पर अरे। अरे लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए आ गई यहाँ पे 6 कॉपियाँ, ठीक है। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफायर में जाएंगे, इसके ऊपर भी लगाएंगे हम लोग अरे। अरे लगाने के बाद कितनी आ गई, 6 कॉपियाँ आ गई, ठीक है। इसका जो फैक्टर एक्स है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, या हम लोग एक काम करेंगे, जो इसका जो है ना, नहीं वो कॉपियाँ पूरी हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरी हैं। असल में ना इसका पिवट आगे पीछे हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, और हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हाँ जी ए प्रेस करेंगे, और इसको कर देंगे, बल्कि इसको हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, सेट ओरिजिन, और इसके बाद कर देंगे ओरिजिन टू 3D कर्सर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पर ऐड मॉडिफायर, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पर अरे नहीं वो उसके मुताबिक आ रहा है, ठीक है। चले खैर अरे लगा ही देते हैं इसको, फिर मैं कर देता हूँ उसको एडजस्ट। वो इसको कर रहा है असल में आइडेंटिफाई, वो इकट्ठा कर नहीं ना रहा। फिर इसको हम लोग कर देंगे कंट्रोल जे से ज्वाइन कर दो इसे फिर, ठीक है। अब ये इकट्ठा हो जाएगा, शिफ्ट है। देगा
खुद माना है तुम यार, मैं शुरुआत तुमसे होती है ठीक है, पहले जाने खत्म होंगे। हमने खत्म कर दिया था, ओके अगर आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो अब आप इसके साथ खेल सकते हैं, यानी कि मैं कर देता हूँ इसको, फर्ज करें पहले इसका मैं ले लेता हूँ डुप्लीकेट ताकि मेरे पास इसका एक बैकअप हो। अब इसकी मैंने वेरिएशन निकाल ली है, वेरिएशन कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, इसको कर दूँगा अप्लाई, अप्लाई करने के बाद मैं आ जाऊँगा फेस में, मैं कहता हूँ यार ये दरवाज़ा मैंने टूटा हुआ दिखाना है, एल प्रेस कर दूँगा, एल प्रेस करने के बाद ये दरवाज़ा मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे इसके साथ, इसके बाद हम लोग फ़र्ज करो इसको हम ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा दिखा देते हैं, या एक ये मेरे पास है, इसको मैं आता हूँ वाई फ्रेम में, वाई फ्रेम में आने के बाद ये पूरा लिंक सिलेक्ट नहीं हुआ ठीक है, हम लोग करेंगे यहाँ पर इसको शिफ्ट एच, शिफ्ट एच के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे ओ प्रेस कर देंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इससे हाइट जो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है ना वो हाइट हो जाता है, वही रहता है बाकी सारे हाइट हो जाते हैं, हाइट एंड सिलेक्टेड ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको कर देंगे जी, और ये जो मेरे पास सर्कल है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा और इसको मैं वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देता हूँ, ठीक है ये हमारा जो दरवाज़ा अब ये टेढ़ा है, ए प्रेस कर देंगे ऑल्ट एच से वापस आ जाएगी आके पास, एल प्रेस करेंगे और इसको आप यहाँ पे लगाएं, बन गई वेरिएशन एक ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख लो, ये मैं सारी लाइटें फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है यहाँ पर आ जाएं, एल प्रेस करें, इसको रोटेट करें, ये ओ प्रेस हुआ है, इसको आप क्या करें एल प्रेस करें, इसको भी आर प्रेस करें, एक्स की तरफ या बल्कि वाई की तरफ, जी एक्स की तरफ ये होगा ठीक है। ओके ये लेना, यहाँ पर आप इसको एज अ टेक्सचर भी देख सकते हो, लेकिन ये आपको वो टेक्सचर नज़र आएगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। मैं शेडिंग पे कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ टेक्सचर। सो तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, देख रहा आपको हमने सिंपल रेफरेंस देखा और हमने कोशिश की हम लोग उसके पास पास चले जाएं।